स्वाद की राजधानी इंदौर में आप छप्पन भी घूमिए, सराफा भी घूमिए, लेकिन आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ में, हम लेके चलते हैं डिफरेंट स्टेट के स्ट्रीट फूड के पास, वो भी इंदौर में। वडक्कम इंदौर, फाइनली हम आ चुके हैं दक्षिणम रेस्टोरेंट पे। और यदि आप भी आना चाहते हैं तो सत्य साई चौराहे से आप सीधे चलेंगे गोल्डन गेट की तरफ, बीच में पिंड बलूची के पास में है दक्षिणम रेस्टोरेंट। चलिए चलते हैं हम सीधे किचन में और देखते हैं क्या कुछ खास है स्पाइसी इंदौर के लिए ट्रेडिशनल साउथ डिशेज। फाइनली यमी, अब हम आ चुके हैं दक्षिणम का जो टेस्ट है उसका रिव्यू करने के लिए। और ये है दक्षिणम स्पेशल डोसा, और ये जो स्पेशल डोसा होता है इसके साथ में स्पेशल ग्रेवी बनाई जाती है। आप ग्रेवी को देख सकते हैं, यमी यमी बहुत ही प्यारी दिख रही है। और ये स्वाद जैसे मुझे जो दिख रही है बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसके आगे का जो है मैं स्वाद टेस्ट करके बताता हूँ क्या है। और ये जो डोसा बना हुआ है ये चावल से बना हुआ है, टिपिकल साउथ में जैसा बनाया जाता है। और क्या है इस ग्रेवी का स्वाद हम बताते हैं। पहले मैं और खाऊंगा, यम्मी यम्मी। साथ ही साथ टेडी इडली भी है, देख सकते कितनी यम्मी है। और ये घी में फ्राई इडली है, awesome. बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। यदि हम ग्रेवी की बात करें तो इसमें वेजिटेबल्स है, चीज़ है, बटर है और पनीर है और बहुत सारे तरीके का मसाला है और बहुत ही टेस्टी है। और सांभर अभी टेस्ट नहीं किया है, उसको भी हम टेस्ट करके बताते हैं। टिपिकल, यदि कोई व्यक्ति साउथ गया है, साउथ में भी उन्होंने साउथ इंडियन टेस्ट किया है, तो वही स्वाद आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसी तरीके से किंतु परंतु उपेन बटनी है और बहुत यमी है। और फाइनली अब मुझे इसे रहा नहीं जा रहा, मैं और टेस्ट करके आगे आखिरी में फाइनल रिव्यू जरूर दूंगा। आपका स्वागत है श्री दक्षिणम रेस्टोरेंट में जो कि इंदौर में है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2021 में की थी, जब हम लोग एक ट्रिप पे गए थे बैंगलोर, और वहाँ से जब हम लोगों ने लोकल फूड एक्सप्लोर किया तो हमें वहाँ का लोकल फूड बहुत अच्छा लगा। और वी बोथ लव साउथ इंडियन, तो हमको रोज़ साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद था, तो हमने सोचा कि इस टेस्ट को हम इंदौर लेके चलते हैं। फिर वहाँ से हम लोगों ने स्पाइसेस को एक्वायर किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से शेफ्स को एक्वायर किया, उसके बाद फिर हम उस टेस्ट को इंदौर में लेके आए। क्योंकि अभी तक इंदौर में ऐसा साउथ इंडियन फूड कहीं नहीं था जो हमने वहाँ पे बैंगलोर में खाया था, जो साउथ में हमने विजिट किया था, तो हमें लगा कि क्यों ना हम, क्योंकि हम साउथ इंडियन फूड लवर्स थे, तो क्यों ना हम वो स्वाद हमारे इंदौर में लेकर आए और जो इंदौर में साउथ इंडियन एक्चुअल ऑथेंटिक साउथ इंडियन लवर्स हैं उनको हमारे यहाँ का फूड भा सके। विगत 2 सालों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको एक्सपांड किया, हमारा बहुत अच्छा, लोगों को टेस्ट बहुत पसंद आया। हम लोगों ने एक आउटलेट से 4 आउटलेट किए, फिर एक भोपाल में आउटलेट किया, तो ऐसे करके जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलता गया हम वैसे वैसे उसको बढ़ाते। ये हमारा स्पेशल डोसा है और इसको हम बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, आप सर्विंग देख ही रहे, और ये यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, यहाँ की जो इंदौर की जनता है उनको काफ़ी भाता है। ये हमारी मिनी घी पोड़ी इडली है, ये जो छोटी मिनी इडली है उसको हम ऑथेंटिक तरीके से तड़का लगाकर घी में हम उसको फ्राई करते हैं, ये भी हमारे यहाँ की बेस्ट सेलर है। एज वेल एज ये हमारी खट्टी इडली है जिसमें हम पोड़ी पाउडर डालते हैं, क्योंकि पोड़ी पाउडर हमारे यहाँ की शेफ ही बनाते हैं। ऑथेंटिक साउथ इंडियन पोड़ी पाउडर होता है जो कि ऑथेंटिक साउथ इंडियन के मसालों से यहीं तैयार किया जाता है। हम इसके साथ चटनी, व्हाइट चटनी और रेड चटनी सर्व करते हैं। व्हाइट चटनी कोकोनट चटनी जो कि कोकोनट से बनती है, इसमें दाल का तड़का और नीम मीठी नीम दाल और अलाई का तड़का लगाते हैं, और ये टमाटर और जो रेड चटनी है वो टमाटर और मिर्च की चटनी। दक्षिणम का जो एक्चुअली टेस्ट है
वो प्रॉपर साउथ का है बिकॉज यहाँ आई फाउंड द ओरिजिनल टेस्ट विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम साउथ। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम आना नहीं है, यहाँ मैं विजिट करती रहती हूँ कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अकेले भी आ जाती हूँ। क्योंकि जब भी मन करता है साउथ इंडियन कुछ फूड खाने का, फिर वो चाहे इडली हो, डोसा हो, अप्पे हो, आई रियली फाउंड द गुड टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम साउथ। तो जब भी मेरा मन करता है यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर विजिट करें और टेस्ट को अपना बढ़ाते रहें और इस प्लेस पर आते रहें। विजिट अगेन।